फल ना सिर्फ शरीर को आंतरिक रूप से स्वस्थ रखने का काम कर सकता है बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा ही एक फल है संतरा, जिसका ना केवल गुद्दा बल्कि छिलका भी त्वचा के लिए उपयोगी माना जाता है। यही कारण है कि लोग संतरे के साथ साथ उसके छिलके का भी उपयोग फेस पैक के रूप में करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी संतरे के फेस पैक के फायदे और उसके साथ ही संतरे के छिलके को चेहरे पर कैसे लगाएं ये भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी आई। संतरे के फेस पैक के फायदे। संतरा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो ऑक्सीडेटिव तनाव से त्वचा की रक्षा कर सकता है, त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। संतरे में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा का रंग साफ करने में मदद कर सकते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रूफ मौजूद है। ये प्रभाव त्वचा को बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। संतरे का उपयोग त्वचा पर निखार लाने में मदद कर सकता है, मुहासों से बचाव का काम कर सकता है, चेहरे के धब्बों से निजात से बचाव का काम कर सकता है, झुर्रियों से बचाव और उन्हें कम करने में भी कारगर साबित हो सकता है। नंबर 4, पपीते और संतरे का फेस पैक। एक संतरा ले आधा कप कटा हुआ पपीता। उपयोग करने का तरीका, सबसे पहले संतरे का छिलका निकाल ले, फिर इस छिलके को पपीते के साथ ग्राइंडर में पीस ले और चेहरे व गर्दन पर लगाए। इसे 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दे, फिर पानी से धो ले। इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगाए। कैसे फायदेमंद है, अगर संतरे के साथ पपीते को मिला दिया जाए तो ये और भी लाभकारी हो सकता है। दरअसल स्किन के लिए पपीते के फायदे कई सारे हैं। ये त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ झुर्रियों को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा फेस पैक के रूप में पपीते का इस्तेमाल डार्क सर्कल को कम करने में भी किया जाता है। टैन और मुहासे से छुटकारा पाने के लिए भी इसके फायदे देखे जा सकते हैं। नंबर 3, बेसन और संतरे का फेस पैक। सामग्री, 2 चम्मच संतरे का जूस, 1 चम्मच बेसन। उपयोग करने का तरीका, बेसन में संतरे का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर ले। अब इसे चेहरे पर लगा ले और 20 मिनट के लिए लगा रहने दे। जब ये सूख जाए तो इसे धो ले। इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं कि चेहरे पर बेसन फेस पैक लगाने के फायदे कई सारे हैं। बेसन का इस्तेमाल त्वचा के लिए एक टॉनिक के रूप में किया जा सकता है। बेसन त्वचा से अतिरिक्त तेल को निकालने और एक्सफोलिएट यानी त्वचा से डेड स्किन सेल्स निकालने में मदद कर सकता है। इसके अलावा बेसन एक एंटी पिंपल एजेंट के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही ये चेहरे की चमक को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नंबर 2, हल्दी और संतरे का फेस पैक। सामग्री, 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर, चुटकी भर हल्दी, गुलाब जल। उपयोग करने का तरीका, 1 कटोरी में संतरे के छिलके का पाउडर और हल्दी को मिला ले और इसमें गुलाब जल डालकर पेस्ट तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए सूखने दे। उसके बाद चेहरे को धो ले। इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है, त्वचा के लिए हल्दी का उपयोग सालों से किया जाता है। यह त्वचा को जमा बना रखने के लिए और साथ ही साथ उसमें नई चमक प्रदान करने के लिए प्रभावी मानी जा सकती है। इसके अलावा चेहरे से अधिक तेल को बाहर निकालने, मुहासों और झुर्रियों को कम करने के लिए हल्दी के फायदे देखे जा सकते हैं। नंबर 1, एलोवेरा और संतरे के छिलके का फेस पैक। सामग्री, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर, आधा नींबू। उपयोग करने का तरीका, एलोवेरा जेल और संतरे के छिलके के पाउडर को अच्छी तरह मिलाए, फिर मिश्रण में कुछ बूंदे नींबू के रस की निचोड़े और तब तक मिलाए जब तक कि ये पेस्ट ना बन जाए। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाए 15 मिनट तक रहने दे। एक बार सूख जाने पर ठंडे पानी से धो ले। इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे फायदेमंद है, फेस पैक के रूप में एलोवेरा के फायदे कई सारे हैं। बता दें कि एलोवेरा एंटी बैक्टीरियल गुण से समृद्ध होता है जो त्वचा की बैक्टीरिया से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एलोवेरा त्वचा में नमी बनाए रखने और मुहासों को कम करने में भी मदद कर सकता है। यही नहीं, एलोवेरा में मौजूद जिंक एस्ट्रिजेंट यानी त्वचा को टाइट करने वाला की तरह काम कर सकता है और रोम छिद्रों को टाइट करने में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि जानकारी किसी के थोड़ा भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। रूखे बेजान बालों से परेशान है तो आप हेयर मास्क का यूज करके उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। रूखे बेजान बालों के लिए बेस्ट हेयर मास्क कौन कौन से है जानने के लिए एंड स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को अभी देखें और शेयर करें।